आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शमी बहराइची, जिन्हें हिंदुस्तान शमी बहराइची के नाम से जानती मानती पहचानती है, जो कि उस्ताद शोरा हैं। आइए मैं इनके साथ कुछ गुफ्तगू करूंगा और मैं कुछ इनके हिस्ट्री जानने की कोशिश करूंगा कि शेर व शायरी की दुनिया में इन्होंने कब से कदम रखा और जिनके कलाम पूरे हिंदुस्तान में हर शायर पढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस दुनिया में कदम रखा और आपने कैसे इसमें कामयाबी हासिल करी, इस विषय में थोड़ा आप मुझे बताएंगे। देखिए इरफान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम सुनने वालों को आदाब व सलाम पेश करता हूं, और कारी इरशाद रज़ा नूरी साहब बहराइची का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ नाचीज़ को ये मौका फराहम किए, जो आज अपना इस्लामिक जलसा चैनल के ज़रिए तमाम नाज़रीन से कुछ गुफ्तगू शुनीद करने का मौका मिला। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना कोई मैं बड़ा शायर हूँ, ये तो अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं कि जो कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ों में लिखता हूँ वो लोग उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ते आए हैं। और मैं आप तमामी हजरात से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें अगर किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो तो माफ़ फरमाइएगा। देखिए इरफान साहब, शेर व शायरी का शौक़ तो मुझे बचपन से था जी, लेकिन मुझे जहाँ तक ख़्याल है कि 17-18 साल की उम्र से मैं लिखना शुरू किया हूँ। क्या बात है। पहले उल्टे सीधे अशआर कहता रहता था, बचपने का आलम था, ये ज़ौक़ो शौक़ की बात है। और बम्बई में हमने जो है आगाज़ किया शेर व शायरी का, बहुत पहले की बात है। एक आशिक बस्तरी साहब थे अपने वक्त के बहुत अच्छे शायर, उस वक्त मैं जो शेर व शायरी करता था या लिखता था तो मैं इस्लाह के तौर पर उनको दिखाता था जी। और उसके बाद लिखते लिखते थोड़ा बहुत शऊर आने लगा। उसके बाद हज़रत नाज़ा शोलापुरी हैं और उनके साथ भी काफ़ी उठक बैठक थी, और आपने नाम सुना होगा हज़रत शाही बस्तवी साहब जी, बहुत अच्छे शायर हैं, मशहूर शायर हैं। हमारा उनका साबका बम्बई में काफ़ी दिनों तक था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं देहात में जब रहना शुरू किया तो यहाँ नात ख्वानी की का दौर बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ जो कुछ मैं लिखता था तो चंद शोरा हजरात नात ख्वान हजरात पढ़ते थे जी। मिसाल के तौर पर कारी सनाउर रहमान साहब को आप जानते हैं जी, कि उनको भी मैं लिख लिख के देता था और वो हमारे कलाम पढ़ते थे अक्सर। उसके बाद लोग पढ़ना शुरू किए तो तमाम लोग मतलब इस फील्ड में आते इसमें गए। आप कुछ शायरों का नाम बताएंगे जो आपके बहुत शायर पढ़ते हो और बहुत मशहूर हो? जहाँ ज़रूर कोशिश करूँगा बताने का। कुछ लोगों के नाम बताइए जो हमारे दर्शक भी समझ सके कि आपके इस कलाम से जी 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 जी। वैसे शोरा हजरात की फहरिस्त तो लंबी है पढ़ने वालों की, लोगों के नाम बता सकते हैं आप? लेकिन जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है असलम गोंडवी साहब हुए जी, जो हमारा उनका साबका ज़्यादा दिन से रहा और हमारे बहुत कलाम पढ़े जी। और पढ़ रहे हैं। मोहम्मद गुफरान रजा कादरी साहब हैं, वो भी हमारे कलाम पढ़ चुके हैं। पहले केसेटों का दौर था जी जी, तो मैं उनसे जो है उनको लिख के देता था, कैसेटों में पढ़ते थे। जैसे कि वो एक बहुत मशहूर कलाम है, उन्होंने पढ़ा था कि होगा जब करम उनका हम बरेली जाएंगे जी 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 जी, और काफ़ी मकबूल हुआ, लोगों ने सराहा।
और सनाउर रहमान साहब जब हम दस्ता बस्ता हमारे साथ में रहते थे तो अक्सर करके मैं लिख के देता था, वो पढ़ते रहते थे। जी। और मास्टर नूरुल हुदा साहब लक्ष्मणपुरी हुए, या कारी शकील साहब मथुरा भी हुए, अनवर मिर्ज़ापुरी साहब हुए और कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब जो इस वक्त बहुत ही मकबूल हैं। जी जी। पहले हमने जब एक हमारा आइटम था कि हमरे मनवा का फुलवा खिलाए दिया जाए या नबी अपना रौज़ा दिखाए दिया जाए, तो सबसे शुरू में पहले उन्होंने पढ़ा, फिर उसके बाद तमाम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जैसे कि ज़ियाज दानी साहब हैं, कस्बत तुलसीपुरी साहब हैं और अजमत रहमानी बलरामपुरी साहब हैं वगैरह वगैरह। और कारी ज़ाकिर इस्माइल साहब भी मुहताज़े तारुफ नहीं, अच्छे नातख्वा में हैं, वो भी हमारे बहुत कलाम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं। और कारी सुहेल अख्तर साहब, सलीम रज़ा पीली भीती साहब, मुजम्मिल अबेसी मुबारकपुरी साहब जी, और मैं किन किन का नाम लूँ, अकरम मीनाई साहब हैं खरगोपुरी, और जामिन बहराइची हैं, कस्मत चंदापुरी हैं और नाजिश बलरामपुरी हैं, कारी पीर अली साहब बहराइची हैं जी। वैसे लंबी फहरिस्त है, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, और ये मतलब उनका ज़ौक है, शौक़ है, कुछ ऐसे ऐसा अखलाक है कि हमारे कलाम, वैसे मैं कोई इतना बड़ा शायर नहीं लेकिन मुझे लिखने पढ़ने का ज़ौक शौक़ है, और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल वो लोग पढ़ रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। आपके चैनल से, अपना इस्लामिक जलसा चैनल जो है आज मुहताज़े तारुफ नहीं, इस चैनल से कितने लोग फैज़याब हो रहे हैं, अपने अपने कलाम यहाँ से पढ़ पढ़ के निकल के अपना जो है आगे रवादमा हैं। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस्नाद गोई के सदक़े में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई के सदक़े में बख्शिश फरमा दे। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब पूछा, काफ़ी शायर हैं जिनका नाम नहीं ले पाए क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना था, और इनकी लिखी हुई कलाम बहुत शायर पढ़ते हैं, और आज इनकी लिखी हुई कलाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और हर कोने कोने में हर बच्चे और हर शायर पढ़ते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा शमी बहराइची से बात कर, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी और आप लोगों को भी पता चला। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ अपना इस्लामिक जलसा चैनल पर, हर इस्लामिक वीडियो और इसी तरह से हर किसी के इंटरव्यू के साथ आपको इसी स्टूडियोज़ में मिलते रहेंगे। अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी तक एक नई वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। खुदा हाफिज़।